दंतेवाड़ा की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सभी 90 विधानसभा सीटों में भरोसे की यात्रा निकाली है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल बनाम कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों की झलक भी दिखाई जा रही है। इस यात्रा में शुरुआत गीदम के हारम पारा चौक से की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश गौतम ने की। मालूम है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सभी जिलों में भरोसा यात्रा का कार्यक्रम चालू हुआ है। हमारी भी भरोसा यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज हम लोग गीदम के हारम में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 15 साल बनाम 5 साल, 15 साल बीजेपी सरकार, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने जनता का जो विश्वास जीता, जनता का जो भरोसा, हमने उनकी उम्मीदों में जो खरा उतरे, हमने जो वादा किया था जनता से, 36 वादे हमने किए, लगभग सभी वादों को हमने पूरा किया। उससे बढ़कर के जैसे दंतेवाड़ा हमारा जिला है, यहाँ सभी जो आदिवासियों की देवी देवता है, बहुत महत्व होता है। सभी गांव में हमने देवगुड़ियों का निर्माण कराया, कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया, माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा किया और उस भरोसे को कायम रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने हर वर्ग को, हर घर में काम और जितनी भी शासन की जो योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उसी को आधार लेते हुए आने वाले समय में हम लोग इलेक्शन में भी उतरेंगे, जितने भी हम लोग 5 साल में जो काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और आज इस जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रैली के माध्यम से जितनी योजनाएं हैं उनको गाँव तक पहुँचा रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जी का जन्म दिवस है, साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो हम लोगों ने उनके जन्मदिन को कांग्रेस कार्यालय भवन में मनाया और उसके साथ वहां से एक सद्भावना यात्रा निकालकर हम गांधी पार्क आए और गांधी पार्क में सद्भावना यात्रा पूर्ण करने के पश्चात